खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू की तहसील दुआबा में थाने के गेट और थाना की मस्जिद में होने वाले खुदकश हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। हंगू में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकश धमाके से मस्जिद की छत के मलबे तले दब जाने से 4 अफराद जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए थे। 9 मई के वाकयात का इल्जाम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, कायदीन और पार्टी कारकुनान पर आयद करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जीआईटी की रिपोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान का कहना है कि 9 मई के वाकयात का तहरीक इंसाफ खसूसन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने 2017 के किरदारों जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। नवाज शरीफ इंतकाम की बजाय मुल्क ठीक करने पर तवज्जा देंगे। और अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसलसल बारिशों की वजह से शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, हर तरफ तबाही मचा दी, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई। सैलाबी रेलों की वार्निंग के बाद रियासत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई।